नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने निकाली रिक्तियां। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बैंगलोर ने हाल ही में ग्रेजुएट अप्रेंटिस और तकनीशियन अप्रेंटिस के 40 पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक या डिप्लोमा 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की आधिकारिक वेबसाइट cmti.net पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के नतीजों की हुई घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के नतीजों और कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। बीपीएससी की इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीपीएससी की तरफ से जारी ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 का आयोजन 6/12/2020 को राज्य के 6 जिलों में किया गया था। इस परीक्षा में कुल 15,360 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें 2,379 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। बिहार पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया समय पर पूरी होने की कही गई बात। बिहार पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया समय पर पूरी होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के क्रम में मतदाता सूची के संशोधन और दावा आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया समय पर पूरा करने का निर्देश सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी को दे दिया गया है। इस बाबत बीते दिनों देर शाम तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया था। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग डॉ. दीपक प्रसाद और सचिव हरिंद्र राम सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए थे। आयोग सूत्रों के अनुसार बैठक में कहा गया है कि 8 फरवरी तक किसी भी हालत में मतदाता सूची के दावा आपत्ति के आवेदन का निपटारा कर दिया जाए। नए संबंध स्कूल आज से कर सकेंगे 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन का काम। सीबीएसई के नए संबंध स्कूल आज से 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करवाने की बात कही गई है, जिसके बाद आज से लेकर 13 फरवरी तक 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि बगैर विलंब शुल्क के इस काम को पूरा करवाए जाने की बात कही गई है। इसको लेकर सीबीएसई ने स्थानीय कार्यालय से संपर्क करने को कहा है। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उन छात्रों को भी शामिल किया जाएगा जिनके रजिस्ट्रेशन का काम पहले नहीं हुआ था। सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर स्कूलों को इसकी सूचना है। इतना ही नहीं, छूट गए विद्यार्थियों को LOC भरने को भी कहा है। धूप निकलने के कारण बिहारवासियों को ठंड से मिली थोड़ी राहत। बिहारवासियों को धूप निकलने के कारण अब ठंड से राहत मिलती दिखाई दे रही है। अभी हालांकि उत्तर से आने वाली ठंडी हवा का एहसास करा रही है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर से होते हुए दिल्ली तक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर देखा जा रहा है और यही कारण है कि पहाड़ों पर बर्फबारी में कमी आई है। लेकिन अभी भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक मौसम शुष्क बना हुआ है। हवा की रफ्तार 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों में मौसम में गर्मी का एहसास लोगों को होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और असम में अलग अलग सक्रिय चक्रवाती हवाओं का रुख छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए बिहार और उत्तर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ हो रहा है। बिहार में बदलेगी TET एग्जाम की रूपरेखा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी TET एग्जाम का पैटर्न बदलने का काम करेगी। TET एग्जाम की नई शिक्षा नीति के तहत कराने की दिशा में यह कमेटी काम कर रही है। देश के सभी राज्यों में एग्जाम का पैटर्न बदलने के संबंध में NCTE ने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है। पत्र में कमेटी ने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग से TET परीक्षा के नोडल अफसर का नाम, एग्जाम का गजट और नोटिफिकेशन, एग्जाम का पेपर, इसके साथ ही परीक्षा के कंडक्ट कराने का आधार, अभ्यर्थियों से जुड़ी सभी जानकारी मांगी गई है। सभी राज्यों से आने वाली जानकारी के बाद TET एग्जाम का नया सिलेबस और गाइडलाइन तैयार कर लिया जाएगा। विधानसभा सत्र को लंबा करना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। बीते दिन बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट सत्र के अलावा दूसरे सत्रों की भी अवधि बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सदन ज्यादा दिनों तक चलेगा, ये अच्छी बात है। मैं खुद सत्र को लंबा करना चाहता हूं, लेकिन सदन चलने पर उसमें भाग भी लेना चाहिए। विपक्ष को अपनी बात कहना चाहिए तो सुनना भी चाहिए। सही बात और सुझाव आने पर स्वीकार करेंगे। दरअसल बजट सत्र की अवधि छोटी होने को लेकर विपक्षी पार्टी कई बार सरकार को निशाने पर ले चुकी है, इसलिए नीतीश कुमार ने बजट सत्र के अलावा सभी सत्र को बढ़ाने की बात कही है। शताब्दी समारोह में सभी नए विधायकों को संशोधन से लेकर विधायी कार्यों में दिलचस्पी दिखाने की सलाह दी गई है। वहीं विपक्ष को भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होने की बात कही गई है। आपको बता दें कि शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी शामिल नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री ने किया PMCH पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने PMCH के नए बिल्डिंग का शिलान्यास कर दिया है। पटना में 5,500 करोड़ की लागत से बन रहा यह वर्ल्ड क्लास अस्पताल होगा, जिसमें एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इस अस्पताल में 500 बेड वाला ICU भी बनाया जाएगा, साथ ही टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था होगी। नए कैंपस के भवन का एरिया 78
लाख वर्ग फीट होगा। आपको बता दें कि यहां पढ़ने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए 1626 की क्षमता वाला छात्रावास भी बनाया जाएगा। 550 नर्सों के लिए छात्रावास बनेगा। वाहन अस्पताल के फैकल्टी और कर्मचारियों के लिए 644 आवास बनाए जाएंगे। 487 बेड की इमरजेंसी यूनिट के साथ साथ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र के 20% प्लॉट फंस गए विवाद में। राज्य के विभिन्न जिलों के 68 औद्योगिक क्षेत्र में कुल 8504 एकड़ जमीन में से 1738 एकड़ जमीन विवाद में फंसी है। इन इंडस्ट्रियल एरियाज में सैकड़ों लोगों ने जमीन और प्लॉट का आवंटन करवाया है, मगर उस जमीन पर किसी तरह के काम को शुरू नहीं किया गया है। विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण बियाडा के नियमों के अनुसार जमीन के आवंटन के 6 महीने तक कोई औद्योगिक कार्य शुरू नहीं होते हैं तो प्लॉट को कैंसिल किया जा सकता है, जिसे लेकर लोग कोर्ट में केस करते हैं। विवाद संबंधी कई मामले उद्योग विभाग के प्रधान सचिव से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इन मामले के लटके होने से बियाडा सालों तक जमीन अलॉट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इन मामलों को सुलझाने के लिए बियाडा नई माफी नीति लाया है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत चिन्हित जमीन को किसी दूसरे काम के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। विधायकों को सौंपी जाएगी संविधान की एक एक प्रति। बीते दिन विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष के शुभारंभ और प्रबोधन कार्यक्रम का संबोधन करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय संविधान की मूल कॉपी में छपी राम सीता और हनुमान नटराज श्री कृष्ण गौतम बुद्ध और नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीरें दिखाई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कार्यक्रम के संबोधन के दौरान जोर देकर कहा कि संविधान की कॉपी में अकबर की तस्वीर है लेकिन बाबर और औरंगजेब की नहीं है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय संविधान की 3 कॉपियों को विधानसभा अध्यक्ष को भेंट किया है। इस दौरान विधायकों ने संविधान की मूल कॉपी सभी को देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को फिलहाल 33% आरक्षण देने पर मतैक्य नहीं बनने की बात कही है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाजपा ने महिलाओं के उत्थान के लिए सराहनीय काम किया है। भाजपा नेता ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बिहार में राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद अब भाजपा नेता ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, जिसके तहत भाजपा के पूर्व सांसद और नेता आरके सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस नेता भगचरणदास जी के बयान से अचंभित भी हूं और दुखी भी हूं। राजनीति में राम का नाम घसीटने का काम कांग्रेसियों ने ही शुरू किया था और आज भी वो करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वास्तव में राम भक्त हैं तो राम के शरण में समर्पण भाव से जरूर जाइए। आरके सिन्हा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम का आचरण क्या था और क्या नहीं था। राम और रावण की बात करने से पहले आप रामायण तो पढ़िए। चिराग पासवान ने रुपेश सिंह मामले में इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। रुपेश सिंह मामले में भले ही पुलिस की तरफ से तमाम तरह के साक्ष्य पेश किए गए हों, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी कोई ना कोई अहम अपराधी बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि विपक्ष और परिवार वालों का कहना है। इसी क्रम में अब लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले में सरकार से मदद की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बाबत अपना पत्र भी जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रुपेश मामले की सारी जांच सीबीआई के हाथों करवानी चाहिए। आपको बता दें हाल ही में चिराग पासवान शकुराबाद के बसंतपुर गांव में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पार्टी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिहार में गिरते कानून व्यवस्था पर निशाना भी साधा। स्कूल में खेल सामग्री खरीद में हुई बड़ी गड़बड़ी। राज्य के सरकारी स्कूल की एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। राज्य के सरकारी विद्यालय में खेल सामग्री की खरीद के नाम पर 2.27 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद 2 साल से ना जिलों से राशि खर्च का हिसाब मिला है और ना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र मिला है। महालेखाकार की रिपोर्ट में इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज की जा चुकी है, जिसके बाद कई अफसर भी अब कटघरे में नजर आ रहे हैं। इस पर सख्ती दिखाने के लिए शिक्षा विभाग ने खेल सामग्री मद में खर्च की गई राशि की रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र को 20 फरवरी तक जमा करने की बात कही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें वित्त वर्ष 2018-19 और 19-20 में केंद्र सरकार द्वारा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन स्कीम के तहत खेल सामग्रियों की खरीद के लिए 2.27 करोड़ दी गई थी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने जो को बताया विराट कोहली से बेहतर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने हाल ही में इंग्लैंड के वर्तमान कप्तान की तारीफ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी तुलना विराट कोहली से करते हुए अहम बात भी कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के वर्तमान कप्तान जो रूट भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली से स्पिन खेलने के मामले में ज्यादा बेहतर है। उनका यह बयान रूट के हाल ही में भारत के खिलाफ चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में लगाए गए दोहरे शतक के बाद आया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें जो रूट ने हाल ही में भारतीय टीम के खिलाफ 208 रनों की शानदार पारी खेली है और वो 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विराट और रूट की स्पिन के खिलाफ तुलना करते हुए आंकड़ों को पेश किया है, जिसके बाद फैन ने भी उनकी जमकर क्लास लगाई है। सोना महापात्रा ने कंगना को वैक्सीन दिए जाने की कही बात। इन दिनों कोरोना को लेकर पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहीं अब कोरोना के साथ साथ कंगना को भी वैक्सीन दिए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल हाल ही में जानी मानी गायिका सोना महापात्रा ने कंगना को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने एक यूजर के पूछे गए सवाल पर जवाब दिया है। एक यूजर ने हाल ही में ट्विटर पर पूछा कि कंगना रनौत से हमें बचाने के लिए वैक्सीन कौन बना रहा है। इस पर जवाब देते हुए सोना ने लिखा, फाइनली मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है, मेरा सूद, और जवाब है कि कंगना खुद। कंगना रनौत से बचाने वाली वैक्सीन सिर्फ कंगना ही बना सकती है, क्योंकि उनमें ही इतनी
जानता है, सवाल भी कंगना है और उसका जवाब भी खुद कंगना ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन की तरफ से इंग्लैंड के वर्तमान कप्तान जो रूट को विराट कोहली से स्पिन खेलने के मामले में बेहतर बताने वाले बयान से आप सहमत है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।